मानसिक रूप से बीमार महिला भूख के लिए तड़पती रही, लोगों से खाने की भीख मांगती रही। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो महिला ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया और प्रशासन को नंगा कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रांची के रिम्स की, जहां इंसानियत तार तार हो गई। रिम्स में भर्ती महिला मरीज मानसिक रूप से बीमार है। जब उसे भूख लगी तो उसने वहां से गुजरने वालों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने खाना देना तो दूर की बात, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं। और जब उसे खाना नसीब नहीं हुआ तो उसने पास में बैठे कबूतर को मार कर अपना खाना बना लिया और अपनी भूख को शांत किया, जिसके बाद वह घंटों तक कबूतर के पंख नोचती रही। जब ये बात आग की तरह सोशल मीडिया पर फैली तो रिम्स के डायरेक्टर तक पहुंची, और इस पर डायरेक्टर डीके सिंह ने कहा कि रिम्स में केवल उन्हीं लोगों को खाना दिया जाता है जो यहाँ एडमिट हो, लावारिस को खाना देना मुश्किल है। जैसा मुझे मैंने पता लगाया तो पता लगा महिला मानसिक रूप से बहुत ही विक्षिप्त है, और कई बार उसको बिस्तर पर ले जाकर के लिटाया गया है, लेकिन उसके साथ कोई है भी नहीं और वो खुद मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ है, तो बाहर निकल जाती है। ऐसे में रिम्स में हमारे लिए इसकी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही संसाधनों की कमी है। मरीज छोड़ अगर मैं कहूँ कि सारी चीज़ों की कमी पड़ जाती है, भारी संख्या में मरीज आते हैं, इसलिए ये सब समस्याएं हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर वायरल हुआ है तो समाज में तरह तरीके के समाजसेवी हैं, कोई समाजसेवी संगठन बढ़ करके आए। ये हमारे लिए एक परमानेंट समस्या बनती जा रही है, क्योंकि कई जगह जहां 108 में ठीक से चलने के कारण लोग उसको मरीज बना करके मानसिक रूप से विक्षिप्त जो सड़कों पर या रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन पर घूमते हैं, उनको लोग रिम्स में लाके हम कहेंगे छोड़ के चले जाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के लिए ये घटनाएं आम हो गई हैं। इससे पहले भी एक भूख से तड़पती महिला मरीज को फर्श पर खाना देने का मामला सामने आया था, लेकिन सवाल ये है कि जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीजों को खाना नसीब नहीं हो रहा है तो फिर इलाज कैसे होता होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। रांची से न्यूज के लिए चंदन की रिपोर्ट।